सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में औसत AQI 453 है, तो वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 562 तक पहुंच गया है। गाजियाबाद में भी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। गाजियाबाद का औसत AQI 407 तक पहुंच चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के नेहरू नगर की अगर बात करें तो इस वक्त AQI 484 है। जहांगीरपुरी में AQI 485 है। आनंद विहार में AQI 473 तक पहुंच गया है और औसत AQI 453 है दिल्ली की अगर बात करें। और ये देखिए सुबह की तस्वीरें, ये बता रही हैं कि दिल्ली में स्मॉग है, यानी स्मोक है और फॉग है, दोनों को अगर मिला दें तो ये स्मॉग कुछ इस तरह का प्रदूषण दिल्ली में देखा जा रहा है। और AQI जो रिकॉर्ड किया गया है वो औसत 453 है। कई इलाकों में ये 480 के पार है, 485 तक ये AQI पहुंचा है। और औसत AQI अगर पूरे दिल्ली का आप देखेंगे तो 453 है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसकी वजह से पहले ही ग्रेट 3 नियम लागू किए गए हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। डीएम नोएडा ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया है और उसकी वजह यह है कि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। 8वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास होगी, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। डीएम नोएडा ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया और उसकी वजह प्रदूषण है।